आने वाले कुछ महीनों में अब आपको मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में गजब की रौनक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि साल 2021 का फिल्मी कैलेंडर सामने आ चुका है और एक से बढ़कर एक साउथ और बॉलीवुड की फिल्म्स थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो भाई, अब आप भी इन रिलीज डेट्स को याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अब 2021 में आ रही है ये बड़ी बड़ी फिल्में। 19 फरवरी को रिलीज हो रही है संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन में बनी फिल्म ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज। जानी मानी वेटरन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के बेटे अनमोल ठकेरिया ढिल्लों इस फिल्म से डेब्यू करते नजर आएंगे और उनके साथ होंगी न्यू कमर एक्ट्रेस झटलेखा मल्होत्रा और इस फिल्म को तरनवीर सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद 26 मार्च को आ रही है राणा डग्गुबाती स्टार फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसे प्रभु सोलोमोन ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में विष्णु विशाल, पुलकित सम्राट, श्रेया पिलगोंकर और जोया हुसैन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। इसके बाद ईद पर सलमान खान लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई। हालांकि अभी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान होना बाकी है, मगर फिल्म ईद पर ही थिएटर्स में दस्तक देगी। तो वहीं फिर ईद के दौरान जॉन इब्राहिम अपनी फिल्म ला रहे हैं सत्यमेव जयते 2, देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म 14 मई को रिलीज हो रही है। इसके बाद फिर 2 जुलाई को रिलीज हो रही है फिल्म मेजर, जो साउथ की फिल्म है। ये फिल्म हिंदी और तेलुगु के अलावा और भी लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में फेमस तेलुगु एक्टर अदिवी शेष मेन रोल में नजर आएंगे। फिर थिएटर्स में धमाका करेगी तेलुगु फिल्म पुष्पा, जो 13 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और विजय सेतुपति जैसे दमदार स्टार्स दिखेंगे। और फिर 1 अक्टूबर को आ रही है धाकड़ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म धाकड़ के साथ। और फिर इसके बाद दशहरा पर होगा ट्रिपल आर का धमाका, जो रिलीज हो रही है 13 अक्टूबर को। मगर वही इस फिल्म को टक्कर देने आ रही है अजय देवगन की फिल्म मैदान, जो 15 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिर 5 नवंबर यानी दिवाली के मौके पर धमाका करेंगे शाहिद कपूर अपनी फिल्म जर्सी के साथ। और इसी महीने में शाहरुख खान की फिल्म पठान की भी रिलीज होने की खबरें हैं, मगर अभी मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट है। एंड फिर दिसंबर में क्रिसमस पर आ रहे हैं आमिर खान लाल सिंह चड्ढा बनकर। फिर अभी तो KGF 2, सूर्यवंशी और 83 जैसी कई फिल्मों की रिलीज डेट लाइंड अप है। देखते हैं कि ये फिल्में इस कैलेंडर में कहाँ एडजस्ट होती है। मगर आप अपना 2021 का फिल्मी कैलेंडर तैयार रखिएगा, क्योंकि अब थिएटर में ये फिल्में तबाही मचाने आ रही हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।